नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों मैं प्रहलाद। दोस्तों आज फिर से हम एक पोल्ट्री फार्म के अंदर आए हैं और यहाँ पे है जो पंखे चल नहीं रहे दोस्तों, वही पंखे हैं जो अधिकतर बार बार पंखे जो बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज देखते हैं क्या फॉल्ट है और कैसे चेक करते हैं, और फॉल्ट चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले हमें एक टेस्ट लैंप चाहिए, इस प्रकार बना लेना है, उसमें 100 वाट का बल्ब होना चाहिए, और एक अपने पास टेस्टर होना चाहिए, और एक कॉम्बिनेशन प्लायर होनी चाहिए, और एक कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए जो कि इस प्रकार इस पर जलता है बल्ब, जैसे बल्ब जल रहा है। ओके तो दोस्तों बताते हैं आखिर पंखे बंद कैसे हैं। दोस्तों इस बार पंखे हैं दोनों, दो पंखे एक साथ बंद है, तो देखते हैं दो पंखे एक साथ कैसे बंद है और क्या कारण है। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोस्तों ये दो पंखे बंद है और मैंने आके देखा है तो ये स्विच भी ऑन था, मतलब ये स्विच ऑन की स्थिति में देख पा रहे हो स्विच, और ये पंखा भी बंद है, ऑन स्थिति में है, वही पंखा है। और यहाँ पे अक्सर चूहों का रहना ज़्यादा होता है तो वायर को कट कर देते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब वायर कहाँ से कट किया, जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो ये भी स्विच ऑन है, दूसरा पंखा है और ये भी बंद है, और इससे जो पहले वाला पंखा है, सबसे पहले वाला पंखा वो ऑन है और बाकी के ये पंखे बंद है। तो दोस्तों चेक करते हैं बारी बारी से, तो बारी बारी से चेक करते हैं इसका मतलब। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे पंखा है वो ऑन है, जो पंखा चालू है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये वाल पेन ओके है, ये वाल पेन चल रहा है बिल्कुल, और आवाज़ भी आ रही होगी वाल पेन में, तो इसका मतलब सप्लाई यहाँ तक तो ओके है और सप्लाई यहाँ से जा रही है, ये सप्लाई का वायर है मतलब उस पंखे से आ रहा है, वहाँ से आते हैं। मैंने सप्लाई वायर को नीचे कर दिया है, यहाँ से सप्लाई वायर आ रही है, और ये सप्लाई वायर यूँ जा रही है, ये जा रही है, ये सप्लाई वायर यूँ जाते जाते, और जो हमारी सप्लाई वायर ये है, और यहाँ पे इस पंखे की सप्लाई कनेक्ट है, ये पंखे की सप्लाई है और ये कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है सिस्टम से, तो ये हमें अभी पिन हटा देंगे, इसको बंद कर देते हैं और ये पिन हटा देते हैं, और हमारा टेस्ट लैंप है इसकी सहायता से एक बार हम चेक कर लेते हैं पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अब हमने ये हमारा टेस्ट लैंप है जो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन स्विच बोर्ड के अंदर लगा दिया है, और हमें अब सिर्फ पावर ऑन करना है कि हमारा स्विच बोर्ड तक सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, सबसे पहले हमें चेक करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हो हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है, यहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही है और हमारा कॉम्बिनेशन स्विच बोर्ड तक बिल्कुल पावर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फॉल्ट है, या तो पंखे में फॉल्ट है या फिर हमारे पंखे की जो लीड है इसके अंदर फॉल्ट है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है कंटिन्यूटी टेस्टर, जो कि इस प्रकार का कंटिन्यूटी टेस्टर है हमारा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, उसको हम चेक करेंगे, ये वाला इसमें और इसमें, इसमें और इसमें दोनों में चेक करेंगे। दोस्तों इसके दोनों टर्मिनल पे किसी एक टर्मिनल पे मेरा हाथ लग गया और मुझे करंट का चोट लगा है, तो इसका मतलब इसमें करंट आ रहा है, और जब मैं टेस्टर लगा रहा हूँ तो ये हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है, देख पा रहे ग्लो नहीं हो रहा है। अर्थिंग पर लगाते हैं, अर्थिंग पर भी हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हो रहा है। लीड है ये हटा लिए, और इस पर मैंने हाफ टच करने पर मुझे करंट आया, लेकिन मैंने चेक किया टेस्टर से तो इसमें करंट नहीं बता रहा है, और जब मैंने टेस्ट लैंप एक मुँह पे इस पर लगाया और एक मुँह को बारी बारी से इसमें डाल के दोनों में डाल के देखे तब भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ, और एक को इस बल्ब के अंदर इसमें लगाया और दोनों ट्रेन में बारी बारी से डाल के देखा स्विच ऑन करके तो हमारा बल्ब ग्लो, इसका मतलब हमारे और हमारा
जो इसके अंदर कैपेसिटर है वो चार्ज था, उसी का पावर हमारा रिटर्न आया है। और दोस्तों जो हमारे दोनों टर्मिनल हैं दोनों पे मैंने लीड लगाई है, तो हमारा ये कंट्री टेस्ट ग्लो नहीं हुआ, इससे साफ जाहिर होता है कि या तो हमारी लीड में प्रॉब्लम है या हमारे पंखे में प्रॉब्लम है। दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे पंखे के पास, दूसरा पंखा इसी प्रकार से हमारा बंद है, उसका भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी हमारा दूसरा पंखा ये भी बंद है, इसका भी हम स्विच बंद करके इसको चेक करते हैं कि क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके अंदर भी कंटिन्यू टेस्ट से हम चेक करके देख लेंगे या कि प्रॉब्लम किस में है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा टेस्टर ग्लो नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम यही लग रही है कि हमारी या तो वायर में प्रॉब्लम है या हमारे फैन के अंदर प्रॉब्लम है। दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। अब दोस्तों एक टेस्ट लैंप हमारे 200 वाट के बल्ब पे, उस टेस्ट लैंप से चेक करके एक बार वो फाइनल वो भी चेक करके देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक करके बताया था, जो कि ये लीड मेन लीड या मेन लीड कंटिन्यूटी टेस्टर से चेक किया था, कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों अगर यदि कंटिन्यूटी टेस्टर में लीड में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो दोस्तों ये परफेक्ट नहीं है, इससे सही माना जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी टेस्टर से यहाँ चेक करने पर परफेक्ट नहीं माना जाए, क्योंकि दोस्तों इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों परफेक्ट तब माना जाता है आप एक 200 वाट का बल्ब लीजिए और उसके साथ आप बल्ब होल्डर लीजिए, मतलब इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप बनाइए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप के अनुसार सीरीज में कनेक्शन कर लिया। दोस्तों एक वायर मैंने खाली वायर लिया, सिर्फ सिंपल वायर जो कि डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्ट किया, और एक हमारा जो बल्ब का बल्ब है टेस्ट लैंप, एक का मुँह इसमें डाला और दूसरे का मुँह उसमें डाल दिया और हमने बल्ब को ऑन स्विच को ऑन कर दिया। तो स्विच को ऑन करने पर हमारा बल्ब है जो बिल्कुल डिम चल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा बिल्कुल डिम चला, तो 100% मैं कह सकता हूँ जो हमारे प्रॉब्लम है इस वायरिंग में नहीं है, और हमारी जो 100% प्रॉब्लम है इस पंखे के अंदर फॉल्ट है, यानी कि इस पंखे के अंदर फॉल्ट है और हमारा पंखा चल नहीं रहा है। तो दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, इस पंखे को मैं पेचकस से और थोड़ा सा चला के देखता हूँ, अगर ये चलता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कैपेसिटी चेंज करना होगा तो कैपेसिटी चेंज करेंगे। हाल फिलहाल ये पंखा डेड है, मतलब इसको डेड भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारा इसमें पावर जा रही है। तो दोस्तों चलो करके देखते हैं फ्रीज के अंदर ही इसको एक बार पेचकस से मैं इसको चला के देखता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो फ्रीज फ्लेम बिल्कुल हल्का हल्का ग्लो हो रहा है, मतलब ये लाल है, ये 200 वाट के बल्ब पे चालू है और यहाँ पे सप्लाई ऑन है। अब दोस्तों इसको मैं एक बार हमारे प्लायर की सहायता से इसके पंख को घुमा के देखता हूँ, जिससे हमें 100% साबित हो जाएगा कि ये इसका कैपेसिटर ख़राब है या नहीं है। तो कैपेसिटर को हमें ऊपर चढ़ने की चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा पंखा थोड़ा सा चला और ये हमारा पंखा रुक गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे साबित होता है कि इसमें हमारे कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा पंखा डेड है। दोस्तों हम इसे उतारेंगे और तभी पता चलेगा कि वाइंडिंग शॉर्ट है। और अभी मैं यही चाह लगभग 100% यही कह सकते हैं ये पंखा डेड है और इसमें वाइंडिंग का ही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पंखे के पास चलते हैं, इसी की तरह दूसरा पंखा भी है, उसको चेक करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अब हम ये दूसरे पंखे के पास आ गए, क्योंकि इसी लाइन में दो पंखे बंद है और इसी को भी उसी प्रकार से चेक करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले टेस्ट लैंप से चेक करेंगे, तो मैं टेस्ट लैंप इसमें लगा लेता हूँ एक बार कि पावर आ रही है या नहीं है।
तो दोस्तों देख पा रहे हो इसके अंदर बिल्कुल बराबर पावर आ रही है, 240 वोल्ट 220 जो भी है, और हमारा पंखा डेड है। तो अब हम चेक करते हैं हमारी इस 3 पिन को, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी टेस्टर से तो चेक कर लेंगे, लेकिन कह नहीं सकते कंटिन्यू टेस्टर से ओके है या नहीं है, और मेन टेस्ट लैंप से ही चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इस पंखे के अंदर मैंने कंटिन्यू टेस्टर से मैंने ये वायर जोड़ दिया है, और दूसरा वायर मैंने यहाँ पे इसके अंदर जोड़ दिया है। दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक टेस्ट लैंप सीरीज से हमने इसको जोड़ दिया है, और दूसरा वायर हमने इसमें जोड़ दिया है, और हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। अब दोस्तों हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे स्विच ऑन है तो हमारी पावर आ रही है कि नहीं है। दोस्तों हमारे पास ये प्लायर है, प्लायर से इन्हों को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने से हमारा बल्ब चल जाना चाहिए। अगर चल गया तो हम अगर इनको शॉर्ट करने हमारा बल्ब जल गया तो इसका मतलब यहाँ तक पावर आ रही है, और यहाँ तक पावर आ रही है और हमारा ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है, तभी हमें पता चले क्या प्रॉब्लम है। तो हम इसको मैं करता हूँ शॉर्ट। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों मेरे पास कैमरा और हाथ में प्लायर दोनों साथ ही है। जैसे दोस्तों मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ, हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, ठीक है। दोस्तों इस पंखे को हम 100% नहीं कह सकते कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारा बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हुआ, और हम अभी तक इसको ये कह सकते हैं सबसे पहले हमें इसकी वायर को ट्रेस करना पड़ेगा। यदि हमारी वायर ट्रेस करने पर ओके हैं तो तभी हम कह सकते हैं हमारा पंखा मतलब जल गया है, जल फूक गया है, लेकिन अभी हमें कह नहीं सकते। तो इसको हमारी पंखे की वायर को हम ट्रेस कर लेते हैं ऊपर चढ़ के, तो हो सकता है कहीं वायर भी शॉर्ट हो सकती है। तो दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं। दोस्तों हर जगह सेफ्टी का काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है, और यदि आप जानकार हो तभी इस फील्ड में आए, और कितना भी एक्सपर्ट गंदा क्यों ना हो लेकिन सेफ्टी नहीं रखने पर हादसा कभी भी हो सकता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक काम ऐसा है कि जिंदे सांप को पकड़ना जैसा काम है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एक जॉइंट है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे चलो चढ़ के दोस्तों यहाँ पे एक जॉइंट है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये जॉइंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अलावा ये वायर है। दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत यहीं पे शक हो रहा है, एक बार मैं इस वायर को मैं लगा करके और चालू करके देखता हूँ, शायद हो सकता है हमारा पंखा चालू हो जाए। चलो मैंने अभी हटा दिया इसको वायर को पूरा। तो दोस्तों अभी तो हमने यहाँ पे टेम्परेली जॉइंट किया है, और अभी इसमें हमने टैपिंग नहीं की, और आगे भी हमें यहाँ पे जॉइंट का बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, यहाँ पे चूहा ने काट दिया है। फिर भी अपन टेस्ट लैंप सीरीज से एक बार चला के देखते हैं हमारा पंखा चलता है या नहीं है। तो ये कनेक्शन एक बार हम फिर से लगा के देखते हैं। तो दोस्तों फिर से सीरीज में कनेक्शन कर लिया और पावर ऑन कर ली है, और टेस्ट सीरीज लैंप हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है, और हमारा पंखा चला नहीं। और हमें अभी फिर से सिद्ध करना है, मतलब साबित करना है इसमें पावर आ रही है कि नहीं है। तो टेस्ट लैंप टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, टेस्टर से चेक करेंगे तो एक तरफ का हमें फेस बताएगा, न्यूट्रल का हमें पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसको फिर से मैं शॉर्ट करूँगा प्लायर से। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें पावर आ रही है, और ये हमारे पंखे के अंदर ही मिस्टेक है।
दोस्तों अब ये पंखा है जो पूरा नीचे खुलेगा और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, एक तो इसके मेन मोटर की बॉडी पे वायर कटे हुए लगा, मुझे कटे हुए लगे जो कि इसके पास इसके अंदर पावर नहीं जा रही है, ये कारण है। और दूसरा है, अब एक तो टेस्ट है कि इसकी बॉडी अर्थ को चेक कर लेते हैं कि वास्तव में बॉडी अर्थ में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे 100% सिद्ध हो जाएगा कि पंखा फॉल्ट है। दोस्तों किसी भी प्रकार के पंखा हो, उसकी बॉडी अर्थ चेक करने से पहले वहाँ का इंसुलेशन है वहाँ से हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ का इंसुलेशन मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जंग रहता है, जंग के अंदर हमें पता नहीं चलता है और हमारा टेस्टर ग्लो नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जंग को हटा लिया है और मेरे पास टेस्टर है, उसे मैं चेक करके देखता हूँ कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा टेस्टर ग्लो होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों ये बॉडी अर्थ तो नहीं बता रहा अभी। तो दोस्तों हाल फिलहाल तो ये पंखा फॉल्ट है। दोस्तों अब हम चलते हैं जो इस पंखे के होनर है उससे बात करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, पंखे रिपेयरिंग करवाना चाहते हो क्या नहीं, तभी हम इस पंखे को ऊपर उतारें, यहाँ से उतारेंगे ऊपर से। तो दोस्तों इस प्रकार आप पंखे को चेक कर सकते हो, लगे पंखे को उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे टेस्ट लैंप की जानकारी होनी चाहिए, जो कि इसका ऐसा वीडियो मैंने पहले ही बता चुका हूँ और ये काफ़ी सेफ्टी से करना होता है। और यदि आप इसकी जानकार हो तभी आप कीजिए। जैसे ये पंखा टिका हुआ है, अब इसको उतारना और चढ़ाना काफ़ी मशक्कत है, तो इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हो। और जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बता दिया, ये पंखा फॉल्ट है और दूसरा पंखा भी फॉल्ट है। दोस्तों इस पंखे का फॉल्ट ये है कि इसके अंदर पावर सप्लाई है जो रिटर्न नहीं आ रही है और हमारा बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हुआ। तो दोस्तों इस पंखे के अंदर है कि जो मेन मोटर है वहाँ से वायर शॉर्ट हो सकता है, मुझे 100% ये साबित कर चुका है ये बल्ब कि इसके अंदर वायर शॉर्ट है, पंखे के अंदर या पंखे और मोटर के पास में ही। तो दोस्तों ये हमें सिद्ध हो गया। और इससे पहले वाला पंखा है वो फॉल्ट है। दोस्तों ये पंखा फिर भी उतरेगा क्योंकि इसके पंखे के पास बिल्कुल टच बॉडी में चूहे ने काट दिया है। तो दोस्तों वहाँ पे ना तो टैपिंग होती है ना स्लाइड से कसा जाएगा और वैसे ये उतरना है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप पंखे को चेक कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो ये एक पंखा है, ये मैंने खोल के रख लिया है, नीचे उतार दिया। और दूसरा पंखा ये है कि ये मैंने खोल लिया है। दोस्तों ये पंखा मैंने खोल तो लिया है लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत ही बड़ा सा चूहा नज़र आ रहा है, जो कि ये चूहा मर गया है क्योंकि यहाँ पे अक्सर चूहे रहते हैं और यहाँ पे गियर बॉक्स के अंदर तार ही फंस गया है। और दोस्तों आखिर चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों अभी हम टेस्ट सीरीज बोर्ड के द्वारा हम चेक करेंगे और इसके कैपेसिटर को भी पूरी बुरी तरीके से खा चुके चूहे, और इसका हम करेंगे अभी उपाय क्या करना है इसका, टेस्ट सीरीज बोर्ड्स के द्वारा चेक करते हैं। तो अब इस पंखे को हम सीरीज के अंदर चलाएंगे और ये वायर मैंने इसमें इसके अंदर मैंने सप्लाई के अंदर जोड़ दिया है यहाँ से, और ये वायर जा रहा है। दोस्तों वही पंखा है जिसके बारे में मैंने आपको बोला, इसका भी 100% कह नहीं सकते कि ये शॉर्ट है या नहीं है। दोस्तों उसी को हम करते हैं। दोस्तों मैंने इसको यह एक्सटेंशन बोर्ड बनाया, इससे जोड़ लिया है और ये 200 वाट का बल्ब, और इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं हमारा बल्ब थोड़ा सा हल्का हल्का ग्लो हुआ और ये हमारा फैन चालू हो गया। इसका मतलब सर ये हमारा फैन ओके, ये फैन हमारा ओके, इसको मैंने बंद कर दिया है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे चूहों ने इसके वायर को काट दिया है, मतलब यहाँ से जो वायर है चूहों ने एक वायर जो कनेक्शन इससे निकल रहा है वो काट दिया है।
लेकिन इसका कंडेंसर हमें नया लाना पड़ेगा दोस्तों। इसका कंडेंसर हम नया लाएंगे और फिर से इसकी अच्छी से टैपिंग करेंगे और दोबारा चूहा ना घुसे इस पर करके इसका इंतजाम करेंगे और फिर इसको इस पंखे को लगाएंगे। अब दोस्तों मैंने दूसरा पंखा ले लिया है। अब दोस्तों मैंने ये दूसरा पंखा लिया है जो कि वॉल फैन है वो उतारा है और जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो इस पंखे को मैंने टेस्ट सीरीज बोर्ड के द्वारा चेक किया है तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं हुई है। मतलब हमारा टेस्ट लैंप बिल्कुल भी ग्लो नहीं हुआ और हमारा एजुटेज वैसा कि वैसा ही रहा। तो हमने इस मोटर को खोली है तो आपको मैं बताता हूँ। तो गहराई से देखने पर दोस्तों अंदर ही हमारी कोयले काफ़ी जल चुकी है। तो दोस्तों मैं एक बार बताता हूँ हाथ लगा के। तो दोस्तों ये हमारी उंगली भी काली हो चुकी है, मतलब कार्बन लग गया है। तो इसका मतलब ये 100% हमारी कोयल जल चुकी है और यहाँ पे वायर भी जला हुआ है, काफ़ी कालापन हो रखा है। और यहाँ पे एक वायर है जैसे कि दोस्तों देख पर ये वायर यहाँ से कट हो चुका है, हीट होके जल गया है। अब दोस्तों ये वायर चला हुआ है तो दोस्तों इसको हम यहाँ से खोलेंगे और जो रिपेयरिंग करते हैं, जो वाइंडिंग बनाते हैं उन शॉप पे हम देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा काम वाइंडिंग बनाने का नहीं है, क्योंकि जो मेरा काम है वो फील्ड में जाना और फील्ड का ही काम रिपेयरिंग करना और शॉर्ट सर्किट रिपेयरिंग करना, ये हमारा काम है दोस्तों। ये काम उन लोगों के हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है और प्रेस है, छोटे छोटे टूल से जो रिपेयरिंग करते हैं एक शॉप पे बैठकर ही काम हो पाता है, वो फील्ड में नहीं होता है। तो उसके लिए अलग से ही मिस्त्री रहता है दोस्तों। हालांकि वो काम हमें भी आता है लेकिन तो ये हमारा फील्ड का काम मेन है जो ये रह जाएगा। तो दोस्तों इसको हम वाइंडिंग बनाने के लिए शॉप पे देंगे। तो दोस्तों फटाफट इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हम लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।